पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी हेतु समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, खंड प्रेरक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर का योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सभी विकास खंड के वीडियो, एडियो, तकनीकी सहायक, जेई को 3 बिंदुओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग की टीम आई है। 280 गांव में विशेष प्रबंधन करना है, जिसके लिए धन राशि आई है। इसमें कूड़ा प्रबंधन की नीति के अनुसार डोर टू डोर कलेक्शन, मेडिकल रिकवरी सेंटर बनेंगे, नालियों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, तरल अपशिष्ट पदार्थों को किस तरह से उपयोग में लाना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अमृत सरोवर, जो कि महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 200 से ज़्यादा तालाब आदर्श तालाब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जिसको गति देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह एवं जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, सारे परिवार के साथ, लेकिन जो आपने इन दिनों में सहयोग किया है, मेरे पास सिर्फ PPT है, फैक्ट्स है, डेटा है, उसमें कच्ची गलियां आप लोगों ने पक्की की, ये आप द्वारा किया गया, और मैं बड़े प्राउड से बोल रहा हूँ, प्राउड आप लोगों ने कराया। आप बता दो, एक भी गली मैंने खड़े होकर बनाई है, ये आप, उसमें भी मैंने 5-6 हजार काम है, कितने हुए बच्चों काम करो, टोटल काम सर 2599 है, 2599 इतना आसान नहीं है। गांव के प्रवेश में ABCD पता नहीं कितनी पार्टियां, कितने किसान है, प्रेजेंट प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, भूत मैत्री के लिए कुछ साल हर चीज में बोल रहा है, इससे पहले सचिव से टाइम ले रहा है, हर हर समय में आपके हर चीज आपको इफेक्ट करती है। मुझे पता है कि जब मैंने एक बार फाइनल को साइन कर दिया, उसका नुकसान बहुत बड़ा था, यहाँ पे एन एग्जाम्पल है सचिव को लेके कई गलतियां बहुत। योजना का निर्णय लेने से पहले उसका स्वामित्व कौन लेगा कि ये जो गांव में सेग्रीगेशन है, जो सारी चीजें परिणाम है, ये नहीं। दूसरा तो हमारे आईटीआर मीडिया है, वो बच्चों के स्कूली छात्रों के माध्यम से गतिविधियों को कि हमारे दरिद्र मंत्री महिमी संभाले डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला था, और ये बहुत अशिष्ट के जो हमारे घटक है, ये पहला है कि हमारा गांव में, तीसरा जो हमारा कचरा सेंटर है, जहाँ पे कचरा निकला, जहाँ पे कचरा आता है, उसके बाद उसका सेग्रीगेशन का क्या किया जा रहा है, सेग्रीगेशन में हमारी जो चीजें निकल रही है उसका उपयोग, ठीक है, सभी को विश्वास है। तो इसके विभिन्न समस्याओं भी मैं बता देता हूँ, उसको कैसे हल कराएंगे ये आप मुझे बताइएगा। 165 तरह के सॉलिड वेस्ट आइटम्स हैं, 165, उसमें सिर्फ 10 आइटम ऐसे हैं जो रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे बैटरी का बैटरी है, इस तरह 5-10 चीजें हैं, जो अंडे का छिलका है, ये सब चीजें जिसको आपको उसको काटना पड़ेगा, नहीं डंपिंग ग्राउंड बाहर बना के उसको काटना पड़ेगा, दैट इज नॉट मेजर इशू। रेस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी रिसाइकल, उसी का कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ, और इसमें बहुत इजी फॉरवर्ड लिंकेज हो जाता है। लेकिन अफसोसजनक बात है कि हमारे प्रदेश में 59,000 गांव पंचायत है, एक में भी ये नहीं हो पाया है। मैंने कार्यशाला कराई जा रही है, इसमें सारे सचिव, सारे BDO, सारे TA, सारा जो हमारा ब्लॉक लेवल का स्टाफ है उसको बुलाया गया है, और इस कार्यशाला में हम लोग जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्यशाला कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर में आने वाले दिनों में ODF प्लस पे काम होना है। ODF प्लस में हमारा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है। इस घटक के अंतर्गत किस तरह से नालियों को अंडरग्राउंड करना है, ड्रेनेज जो कवर करने हैं, जल निकासी कैसे करनी है, गाँव में स्लोप ग्रेडियंट कैसे करना है, स्टैंडर्ड एस्टीमेट्स कैसे बनाने हैं, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ सूखे कूड़े के प्रबंधन के लिए जो हमारे मटेरियल रिसोर्स फैसिलिटी सेंटर्स बनेंगे, MRF सेंटर जैसा हमने कोटा में बनाया है अभी कौड़ीधाम में, वैसा किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करना है, समूह की महिलाओं को क्या ट्रेनिंग देनी है कूड़े प्रबंधन के लिए, कूड़े का कलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए ये एक वर्कशॉप बनेगा। आज सभी विकास खंड के BDO, ADO, पंचायत, हमारे JEE तकनीकी सहायक
को 3 बिंदुओं के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की टीम भी यहाँ आई है। ठोस प्रबंधन अवशिष्ट प्रबंधन जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, 380 गाँव में इस साल हमें उसको करना है, जिसके लिए धनराशि शासन ने दिया है। और इसमें कूड़ा प्रबंधन की नीति, डोर टू डोर कलेक्शन, कैसे मटेरियल रिकवरी सेंटर बनेंगे, और नालियों का निर्माण, सोक्विट का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, कैसे प्लांटेशन होगा, कैसे तरल अपशिष्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसके बारे में होगा। अमृत सरोवर जो हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें जनपद में 200 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में तालाब आदर्श तालाब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, उसके लिए गति देने के लिए उनका प्रशिक्षण और उसकी समीक्षा आज की जा रही है, और उनके गुलाबों का विकास और मेड़बंदी और नहरों में और माइनर्स में झाड़ियों की सफाई और सिल्ट सफाई कराने की कार्रवाई के लिए भी गति देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यशाला आयोजित की।